What's up guys, welcome back to Body Engineer Neeraj Fitness Channel. आज इस वीडियो के अंदर मैं बाइसेप्स कंप्लीट इंजीनियरिंग के बारे में बताने वाला हूं कि आप बाइसेप्स को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं. अगर आप बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हैं और किस तरीके से इन मिस्टेक्स को ना करके और कुछ बेस्ट स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस हैं जिनसे आप अपने बाइसेप्स को बहुत ही आराम से ग्रो कर सकते हैं. बहुत सारी सेवरल स्टडीज के हिसाब से और बाइसेप्स की एनाटॉमी के हिसाब से मैं इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा. तो इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखिए ताकि आप एक भी पॉइंट, चाहे वो की पॉइंट हो, चाहे वो कोई इंस्ट्रक्शन हो, चाहे कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज हो, उसके कौन से वेज होते हैं एक्सरसाइज गलत होने के और कौन से वेज से अफेक्ट किया जा सकता है, वो सारी डिटेल्स मैं इसमें दूंगा और जिसकी हेल्प से आप बहुत ही आराम से अपनी बाइसेप्स की ग्रोथ कर सकते हैं, बाइसेप्स को ग्रो कर सकते हैं, अपनी पीक को अचीव कर सकते हैं. लेकिन साथ में एक चीज का और ध्यान रखना है कि कंप्लीट आर्म डेवलपमेंट के लिए आपको हर हालत में अपने ट्राइसेप्स के लिए भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. अगर आप ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करेंगे तभी आप अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स को ग्रो करके अपने कंप्लीट आर्म को ग्रो कर सकते. देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बाइसेप्स की एनाटॉमी के बारे में बताने वाला हूं. जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि बाइसेप्स, यहां पे अगर आप मेरी बाइसेप मसल देखते हैं तो बाइसेप मसल के अंदर देयर आर टू हेड. तो यहां पे ये हमारा बाइसेप है, यहां से हमारा एक हेड है और एक हेड है हमारा ये हेड. ये जो हेड होता है, अंदर की साइड जो हेड होता है, उसको हम कहते हैं शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप प्रकाय और यहां पे लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप प्रकाय. दिस इज शॉर्ट हेड और दिस इज लॉन्ग हेड. ये दो मेन बाइसेप्स के पार्ट होते हैं और जो आपकी एल्बो को फ्लेक्स करने के, एल्बो के फ्लेक्शन के काम आते हैं, एल्बो के फ्लेक्शन के काम आते हैं. इसी के साथ साथ एक और मेजर मसल होती है जो असिस्ट करती है आपके आपकी एल्बो की फ्लेक्शन के लिए और साथ ही साथ आपकी बाइसेप्स को पीक बढ़ाने के लिए, क्योंकि लॉन्ग हेड मेन मैटर करता है आपकी बाइसेप्स की पीक के लिए. जितना आपका लॉन्ग हेड अच्छा से ट्रेंड होगा उतनी आपकी बाइसेप्स की पीक अच्छी होगी. और साथ ही अगर आप ये देखते हैं यहां पे ट्राइसेप है, ये एरिया ट्राइसेप का है और इसके बीच में अगर ये एरिया आप देखते हैं, ये एरिया आपकी ब्रैकियालिस मसल है. तो ये बाइसेप ब्रैकियालिस मसल अगर एक वेल ट्रेंड होगी तो आप बाइसेप्स को बहुत आराम से लिफ्ट कर सकते हैं, जिससे आप बहुत आराम से अपने बाइसेप्स की पीक को अचीव कर सकते हैं. अब मेन बात यह आती है कि कौन सी एक्सरसाइजेस सेवरल स्टडीज के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल हो सकती हैं कि आप अपने बाइसेप्स को ग्रो बहुत ही आराम से कर सकें. इसमें एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि बाइसेप्स की ये तो मसल्स हो गई जो एल्बो फ्लेक्शन में काम करती हैं. एक और मेजर मसल होती है जो एल्बो फ्लेक्शन के लिए काम करती है, वो ये मसल है ब्रैकोरेडियालिस. वो ब्रैकोरेडियालिस मसल है, जो ब्रैकोरेडियालिस मसल है ये भी असिस्ट करती है एल्बो फ्लेक्शन के लिए. तो कई सारी ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें हम अपनी मसल को, बाइसेप्स की मसल्स को ना ज्यादा यूज करके अपनी दूसरी मसल्स के ऊपर टेंशन डाल देते हैं और अपनी हमारी बाइसेप मसल जो है वो ठीक से ट्रेन नहीं हो पाती. जैसे कि आपने देखा होगा कई सारे लोग जब बाइसेप्स के लिए चाहे बार्बेल कर्ल चाहे डंबल कर्ल कर रहे हैं तो लिफ्ट करते समय एल्बो को, बिकॉज यू हैव टू गो फॉर एब्सोल्यूट एल्बो फ्लेक्शन. वो कैसे एल्बो फ्लेक्शन होगा जब आपके आर्म्स बिल्कुल हैंग कर रहे हैं फ्लोर के पास, आपका ना तो आर्म फ्लेक्स्ड है ना आपका आर्म एब्डक्ट है और ना ही आपका आर्म पीछे की साइड हाइपर एक्सटेंडेड है. अगर आपने किसी भी तरीके से आर्म को एब्डक्शन कर दिया या फ्लेक्शन कर दिया या एक्सटेंशन कर दिया तो ये आपके बाइसेप्स के ऊपर जो एक्चुअल में टेंशन आनी है एक्सटर्नल वेट लोड की वो नहीं आ पाएगी.
तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपने किस तरीके से एंगल अचीव करना है, क्योंकि एंगल अगर हम देखेंगे तो जिस तरीके से इसमें दिखाया जा रहा है कि एंगल क्या है, कि एंगल आप बना रहे हैं आपके शोल्डर के सेंटर से, जहां के आपके मिडिल डेल्टॉइड्स हैं, मिडिल डेल्टॉइड से लेकर आप देखिए आपकी एल्बो का जो जॉइंट बैक साइड से अगर आप देखते हैं आपकी एल्बो का जॉइंट को से अगर सीधी एक लाइन खींचते हैं जो परपेंडिकुलर हो फ्लोर से, तो ये एक स्ट्रेट लाइन खींच के अगर आप अपने बाइसेप्स को ट्रेन करते हैं और यहां पे अगर आप अपनी आर्म्स को स्टेशनरी रख लेते हैं और फिर आप यहां से एल्बो फ्लेक्शन करते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स लेके आ पाएंगे। तो अब यहां पे हम बात कर रहे हैं बेस्ट एक्सरसाइजेस की, तो यहां पे मैंने सिर्फ 4 एक्सरसाइजेस चूज करी हैं और इसके अंदर मैक्सिमम जो फाइबर्स होते हैं वो टाइप 2 फाइबर्स होते हैं। टाइप 2 मसल फाइबर्स जो होते हैं वो बेसिकली एक तरीके से फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं और इनको आपको अगर ग्रो करना है, अगर इन मसल्स के अंदर हाइपरट्रॉफी लेके आनी है तो आपको कम से कम 5 से 8 रेपिटेशंस करने चाहिए या जो भी वेट लिफ्ट कर रहे हैं उसका अंटिल फेलियर जाना पड़ेगा, तभी आप अपनी मसल्स की ग्रोथ को अचीव कर पाएंगे। ये जो लेटेस्ट स्टडीज के हिसाब से चार्ट दिखाया जा रहा है, इस चार्ट के अंदर अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट एक्सरसाइज कॉन्सेंट्रेशन कर्ल जो बाइसेप्स के अंदर सबसे ज्यादा इफेक्ट ला सकती है, बाइसेप की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा इफेक्ट ला सकती है, स्पेसिफिकली बाइसेप्स के मसल्स जो हमारा लॉन्ग हेड है और शॉर्ट हेड है दोनों को डेवलप करने में सबसे ही ज्यादा बढ़िया वर्कआउट है। इसके अंदर चिनअप्स एक्सरसाइज की भी हम बात करेंगे जो थर्ड नंबर पे दिखाई जा रही है, इसके अंदर फोर्थ नंबर पे बाबल कर्ल भी दिखाई जा रही है, हम उसकी भी बात इस वीडियो के अंदर करेंगे और साथ ही मैं आपको एक अल्टरनेट डंबल कर्ल एक्सरसाइज जो वेट शिफ्ट के साथ होती है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ, जो 4 एक्सरसाइजेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो द बेस्ट एक्सरसाइजेस रहेंगी आपके बाइसेप्स को डेवलप करने के लिए। मसल्स की ग्रोथ को अचीव करना चाहते हैं तो आपको ये सारी एक्सरसाइजेस स्टेप बाय स्टेप करनी चाहिए और कम से कम हफ्ते में 2 बार, वीक में 2 टाइम्स अगर आप ये एक्सरसाइजेस करते हैं तो विद इन अ मंथ यू कैन सी अ वेरी बिग डिफरेंस इन योर बॉडी। देखिए इस पर्टिकुलर स्टडी के अंदर ये दिखाया गया है कि अगर आप बिल्कुल स्टैंडिंग स्ट्रेट जहां पे आपका डंबल इस फोटोग्राफ के अंदर हैंग कर रहा है वो आपकी बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन रहेगी जहाँ पे आपके आर्म्स के ऊपर कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेन या आपके शोल्डर के ऊपर कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेन नहीं आ रहा एक्सटर्नल वेट लोड को लिफ्ट करने के लिए। और उसके साथ ही अगर जो आप सिटिंग पॉस्चर देख रहे हैं, सिटिंग पॉस्चर के अंदर इसमें अपर आर्म को आपने बिल्कुल एज इट इज रखना है और लोअर आर्म्स में और आपने एल्बो को फ्लेक्शन करना है, क्योंकि अपर आर्म स्टेशनरी एज इट इज रहेगा और आपने एल्बो से इसको फ्लेक्शन करना है जो आपको बेस्ट रिजल्ट्स दे सकता है। तो यहां पे हमारी पहली एक्सरसाइज है बाइसेप्स बाबल कर्ल जिसमें हमने अपनी बाबल को होल्ड किया है बिल्कुल जो हमारे हाथों की ग्रिप है, अगर आप इस ग्रिप को देखते हैं तो ग्रिप बिल्कुल आपके हाथ शोल्डर के नीचे हैंग्ड है और यहां से आप अपने अपनी एल्बोस को स्टेशनरी रखते हुए अपनी एल्बो को फ्लेक्स करना है। आप देखिए इसमें आप जैसे मूवमेंट कर सकते हैं अपने अंगूठे को कंप्लीटली हुक करके को आप नीचे रिलैक्स करके कर सकते हैं, ये दोनों तरीके से आप अपने बाबल की ग्रिप ले सकते हैं। एक चीज का खास का ध्यान रखना है कि जनरली आपने देखा होगा ये बाइसेप्स कर्ल करते समय लोग अपने रिस्ट को फ्लेक्स कर देते हैं और रिस्ट को फ्लेक्स करते समय ये जो एक्सरसाइज हो रही है इस एक्सरसाइज से आप अपनी रिस्ट को ज्यादा यूज करेंगे और जब रिस्ट ज्यादा यूज होगी तो आप डेफिनेटली जल्दी मसल्स फटीग हो जाएंगी, आप रेपिटेशन कम कर पाएंगे और साथ ही आप बेसिकली हेल्प ले रहे हैं अपनी
रिस्ट मसल्स की, अपने एल्बो को फ्लेक्शन करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया था ब्रैकोब्रैडियालिस मसल भी एल्बो फ्लेक्शन में असिस्ट करती है, और आपने जब रिस्ट को फ्लेक्स कर दिया और तब आपने लिफ्ट किया तो आप अपने बाइसेप्स को यूज कम करके अपनी ब्रैकोब्रैडियालिस मसल को यूज कर रहे हैं। तो ये आपने गलती नहीं करनी है, कोशिश करिए कि बिल्कुल स्ट्रेट रखिए हैंड्स को, अपनी रिस्ट को बिल्कुल भी फ्लेक्स ना होने दीजिए। और अब यहां पे देखिए एक और तरीका है बाइसेप्स को और बेहतर तरीके से ट्रेन करने का, अगर आप अपने ग्रिप को थोड़ी सी रिस्ट को एक्सटेंड कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ फ्लेक्शन एक्सटेंड कर देते हैं, और फिर अगर आप लिफ्ट करते हैं तो आप फील करेंगे कि आपने आपके जो बाइसेप्स हैं वो ज्यादा ट्रेन हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी जो फोरआर्म की मसल्स हैं उनको कम एक्टिवेट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको अपने बाइसेप्स से ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। अब इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि बाइसेप्स के अंदर कभी भी आपने शोल्डर लिफ्ट नहीं करने, एलिवेशन ऑफ स्केपुला कभी भी नहीं करना, और साथ यहाँ पे काफी सारे लोग एबडक्शन कर देते हैं अपने आर्म्स को, वो भी नहीं करना। अगर आपने एबडक्शन किया तो भी आप बेसिकली ब्रैकोब्रैडियालिस मसल या शोल्डर मसल्स को ज्यादा यूज करेंगे और बाइसेप्स की टेंशन जो है वो कम हो जाएगी। जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, आप अपने आर्म्स को ज्यादा फ्लेक्स नहीं करेंगे। अगर आपने अपने आर्म्स को ज्यादा आगे की साइड फ्लेक्स कर दिया और फिर आपने कर्ल करने की कोशिश करी या फिर आपने एल्बो फ्लेक्शन करने की कोशिश करी तो भी आपका जो एंटीरियर डेल्टॉइड है वो एक्टिवेट ज्यादा हो जाएगा और आप अपनी बाइसेप्स को प्रॉपर टेंशन नहीं दे पाएंगे, और जो प्रॉपर टेंशन नहीं आएगी तो प्रॉपर ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी। तो सही तरीका यही रहेगा कि आप अपने आर्म्स को और अपने आर्म्स को नीचे हैंग करके और फिर आप अपने एल्बो को स्टेशनरी रखते हुए ही अपने कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन करें। तो ये तो है आपकी बारबेल बाइसेप्स कर्ल। जो इसमें आपको ग्रिपिंग दिखाई जा रही है, ये तीन तरह की ग्रिपिंग है। एक जो सुपिनेटेड ग्रिप है जिसमें एक राइट टिक लगा हुआ है, वो ग्रिप ही बेस्ट ग्रिप मानी गई है, और वही ग्रिप से आप अपने बाइसेप्स को सबसे ज्यादा एक्टिवेट कर पाते हैं। आपका बाइसेप्स का जो मसल है वो एल्बो फ्लेक्शन के लिए सबसे ज्यादा एक्टिवेट रहेगा। और बाकी की जो दो आपको इसमें एक प्रोनेटेड ग्रिप और एक न्यूट्रल ग्रिप दिखाई जा रही है, उसमें आप अपने बाइसेप्स को ज्यादा एक्टिवेट नहीं कर सकते। इसी कारण से जो सुपिनेटेड ग्रिप है उस ग्रिप को अगर आप करके अपने बाइसेप्स की किसी भी एक्सरसाइज को करते हैं तो आप बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स ला सकते हैं। ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है बारबेल बाइसेप्स कर्ल। इसमें आप जो ग्रिप देख रहे हैं वो बिल्कुल शोल्डर लाइन में है, और यहां पे आप अपने एल्बोज को स्टेशनरी रखते हुए और फिर फ्लेक्शन कर रहे हैं। आप ये भी कर सकते हैं जैसा इसमें दिखाया जा रहा है कि आपने एक सेकंड बीच में स्टॉप किया जहां पे सबसे ज्यादा मसल एक्टिव होती है, बिकॉज ये एक मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट है जहां पे आप होल्ड करके फिर आप नीचे दोबारा से एक्सटेंड करते हैं। तो इस तरीके से आप करेंगे, इनहेल करते हुए ऊपर लेके जाएंगे और एक्सहेल करते हुए नीचे लेके जाएंगे। वर्कआउट जो है वो है डंबल कर्ल। यहां पे मैं अपने एक्सपीरियंस से इस एक्सरसाइज को आपको सजेस्ट कर रहा हूं। जनरली आपने बहुत सारे लोगों को बाइसेप्स कर्ल करते हुए डंबल के साथ देखा होगा, और डंबल इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, बट यहां पे आप अगर देखते हैं तो मैं डंबल को के साथ अपना ऑल्टरनेट कर्ल कर रहा हूं। आप इसको दोनों हाथों से भी कर सकते हैं, दोनों हाथों से इकट्ठे आप बाइसेप्स कर्ल कर सकते हैं, लेकिन यहां पे मैं आपको ऑल्टरनेट डंबल कर्ल कर रहा हूँ। डंबल कर्ल जो ऑल्टरनेट हो रहे हैं इसमें साथ ही बॉडी का वेट शिफ्ट हो रहा है। जो ये बॉडी का वेट शिफ्ट है इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, जब आप अपनी बॉडी का वेट
डंबल के अगेंस्ट शिफ्ट करते हैं तो जो साइड जो उन सब बॉडी का पार्ट आपका डंबल की साइड वाला है, चाहे वो लेग्स हैं, चाहे वो लोअर बैक है, चाहे वो शोल्डर्स हैं, उनका एक्टिवेशन, उन सारी मसल्स का एक्टिवेशन कम हो जाता है और आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट एल्बो फ्लेक्शन करने में स्टेबलाइजर्स कम यूज होंगे इस साइड के, और जब इस साइड के स्टेबलाइजर्स कम यूज होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको अपनी मेन मसल, जो मेन मसल है बाइसेप ब्रैकियाई, उसका ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो इस एक्सरसाइज को आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं, बट इस मूवमेंट को समझने के लिए आपको काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप इस मूवमेंट को अचीव कर लेते हैं तो बहुत ही आराम से आप अपने बाइसेप्स के अंदर बहुत ही इंटेंसिव टेंशन अचीव कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से। वरना बेसिक डबल हैंड डंबल कर्ल भी आप कर सकते हैं या स्टेशनरी ऑल्टरनेट डंबल कर्ल भी कर सकते हैं इसके एवज में। यह है सेकेंड एक्सरसाइज। अब हम थर्ड एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। जो थर्ड एक्सरसाइज है वो है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है बट सबसे ज्यादा इफेक्टिव है और बहुत सारी स्टडीज के अंदर इस एक्सरसाइज को सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है। इसी एक्सरसाइज से आप अपने बाइसेप्स के अंदर सारा टेंशन लेके आ सकते हैं। यहाँ पे देखो बेस्ट बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड हो रहे हैं। फॉरवर्ड बेंड होने के साथ साथ आप जब बाइसेप्स कर्ल कर रहे हैं तो आप पहले न्यूट्रल ग्रिप में अपने डंबल को उठा रहे हैं और न्यूट्रल ग्रिप से आप सुपिनेटेड ग्रिप में आ जाते हैं। बिकॉज ये भी काफी सारी फाइंडिंग हुई है कि अगर आप न्यूट्रल ग्रिप से जब सुपिनेशन करते हैं अपने आर्म का, उसमें आपका बाइसेप्स का एक्टिवेशन सबसे ज्यादा होता है। सुपिनेशन के साथ बाइसेप्स का कर्ल जो है सबसे ज्यादा एक्टिवेशन होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी डंबल कर्ल करें तो आप न्यूट्रल ग्रिप से सुपिनेटेड ग्रिप में आके और डंबल कर्ल को पूरा प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन कर्ल कर सकते हैं। इसमें एक और बेनिफिट है कि यहाँ पे भी आपके जो स्टेबलाइजर मसल हैं, चाहे वो आपकी लेग्स हैं, चाहे वो आपके कोर एरिया है, चाहे आपके वो शोल्डर्स हैं, तीनों के तीनों एरियाज कम से कम यूज हो रहे हैं और आपके बाइसेप्स को वर्क करना ही पड़ेगा। अगर आपका बाइसेप स्ट्रेंथन नहीं है तो आप उस वजन को नहीं उठा पाएंगे। लेकिन इसको करने के लिए भी जो मेजर मिस्टेक्स होती हैं लोगों की, वो ये है कि क्या करते हैं, वो या तो शोल्डर को लिफ्ट कर लेते हैं इसको करते समय, या एल्बो को बहुत ज्यादा पीछे की साइड लेके चले जाते हैं, अपने आर्म को पीछे की साइड एक्सटेंड कर देते हैं और फिर फ्लेक्शन करते हैं। तो ये नहीं करना। आपको अगर अपने बाइसेप्स को मैक्सिमम टेंशन देनी है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए, आपका आर्म फ्लोर से बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए ताकि आपका किसी भी तरीके से आपका शोल्डर मसल यूज ना हो। और जो फाइंडिंग्स हैं उनके हिसाब से भी ये पाया गया है कि अगर आप अपनी बाइसेप्स को बिल्कुल कंप्लीट परपेंडिकुलर रखते हैं और तब एल्बो फ्लेक्शन करते हैं तो जो ये एल्बो फ्लेक्शन है वो सबसे ज्यादा कंसेंट्रिक टेंशन देता है आपके बाइसेप्स के ऊपर। तो इसको करने के लिए भी ये सारी इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और फोर्थ और लास्ट जो मेरी वर्कआउट है वो है रिवर्स ग्रिप चिनअप्स। बिकॉज अगर आप ये जो आपको स्टडीज पहले दिखाई थी ये, तो जो तीसरे नंबर पर चिनअप्स वाली जो एक्सरसाइज है वो भी काफी इंटेंस टेंशन देती है और इसे कंपाउंड वर्कआउट और बहुत इंटेंस टेंशन दे सकती है आपके बाइसेप्स को ट्रेन करने के लिए। तो फोर्थ एक्सरसाइज जो मैंने इसमें इंक्लूड करी है वो आप देखिए चिनअप्स है। इसमें आपको आपके ग्रिप जो है रिवर्स होल्ड करना होगा और फिर आपको स्लोली विदाउट लिफ्टिंग योर शोल्डर, विदाउट एलिवेटिंग योर स्कैपुला, आपको लिफ्ट करना होगा। ट्राई टू होल्ड देयर फॉर 1 or 2 seconds और फिर आप नीचे आइए। ऐसे करके आप इसमें भी 5 to 8 repetitions जितने आप अपनी बॉडी को चैलेंज देके अचीव कर सकते हैं उतने आप repetitions करिए। और ये चारों एक्सरसाइजेस के आप कम से कम 3 to 4 sets करिए। वीक में 2 times ट्रेन करिए और 1 month के अंदर आप अपनी बाइसेप्स की ग्रोथ को बहुत अच्छा देख सकते हैं। जो इसका सेकेंड पार्ट रहेगा वो रहेगा ट्राइसेप्स इंजीनियरिंग का। जो ट्राइसेप इंजीनियरिंग का पार्ट भी आप जरूर देखिए क्योंकि अगर आप ट्राइसेप्स को ट्रेन नहीं करेंगे तो कंप्लीट आर्म का जो सर्कमफेरेंस है वो नहीं अचीव कर पाएंगे। तो
पार्ट वन में मैंने आपको बाइसेप्स इंजीनियरिंग के बारे में बताया और पार्ट टू मैं बहुत ही जल्द अपलोड करूंगा साइंस बेस्ड स्टडीज के हिसाब से कि आप कौन सी एक्सरसाइज करिए जिससे आप अपने ट्राइसेप्स की ग्रोथ बहुत आराम से अचीव कर सकते हैं। और जब आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की ग्रोथ अचीव हो जाएगी तो कंप्लीट सर्कमफेरेंस आपके बाइसेप्स का, आपके आर्म्स का बहुत आराम से आप अचीव कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं अलविदा लेता हूं एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज थम्स अप, एंड इफ यू न्यू टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट so that you will be able to get the notification whenever I will be uploading a new video. Thank you so much.